हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप टॉपिक सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में एमएससी बोटनी थर्ड सेम की आपको असाइनमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट रहेगा कि जो आलू है ना उसके ऑस्मोस्कोप द्वारा उसका जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया को स्टडी करना तो आप लाइब्रेरी के अंदर कैसे इस मैथड को कंप्लीट करते हैं तो उसको देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आलू के परासरणी जो होता है परासरण दर्शी आसमोस्कोप जिसको कहते हैं उसके द्वारा आपको ऑसमोसिस प्रक्रिया का अध्ययन करना है तो चलिए अब देख लेते हैं आपके मटेरियल रिक्वायर्ड कौन कौन सी है बेसिकली तो यहाँ पे कलर ले लेती हूँ फ्रेंड्स बात करेंगे कि आपकी जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इसके लिए क्या क्या होंगे तो आलू के कंद होंगे चीनी होगी जिसको सरकरा कहते हैं उसका चांद्र विलयन होगा फिर पानी होगा डिश होगी आलू और आलपीनी होंगी एक सेकेंड इसको थोड़ा सा फिर इसके बाद इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस जो होता है परासरण वह प्रक्रिया जिसमें कैसी प्रक्रिया परासरण वह प्रक्रिया कि जिसमें अर्धपारीगम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विभिन्न सांद्रता वाले विभिन्न सांद्रता वाले दो वलनों में जल अथवा किसी विलायक के जो अणु होते हैं उसका विसरण यानी डिफ्यूज़न कम सान्द्रता वाले विलयन से ये मैंने डिफ्यूजन की जो डिफिनीशन है विसरण परासरण दोनों ही ऑस्मोसिस आपको डिफ्यूज़न दोनों में डिफ्रेंशिएशन बताया है कि विसरण परासरण क्या होता है तो इसमें क्या होता है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है ये दो प्रकार का होता है एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस ठीक है तो जब अंदर की ओर होता है तो एंडोस्मोसिस और वहीं तो ये बाहें विलियन होता है इसकी प्रोसीज़र क्या है चलिए देख लेते हैं कि एक बड़े आलू के कंद जो होते हैं उसके बाहर का छिलका निकाल दिया जाता है चा चाकू से छिलकर अलग कर सकते हैं आप किसी भी मैथड से उसका छिलका अलग कर सकते हैं पील करते हैं तो छिले हुए चाकू के कंद को बीच से काट कर मतलब जो आलू होता है उसको बीच से काट कर दो टुकड़े ले लेते हैं अब दोनों टुकड़ों में चाकू की सहायता से गहरी गुहा बनाते हैं कैबटी बनाते हैं जैसे ये आलू है ना इसको बीच से होल कर देते हैं और साइड में रहने देते हैं इसकी जो स्पेसेस हैं उसके सरफेस को रहने देते हैं और दो बीच से इसको होल कर लेते हैं ठीक है थीके? तो कंद के एक टुकड़े की गुहा में चीनी का जो सांद्र होता है कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेट होता है चीनी का सांद्र विलयन दस परसेंट विलयन भरकर पानी से भरी प्रटेडिस में रख देते हैं तथा गुहा में चीनी के विलयन का स्तर आलपिन लगा देते हैं कि कितना स्तर है यहाँ पे पानी का स्तर कितना है और कंद के दूसरे टुकड़े की गुहा में पानी भर देते हैं क्या कर देते हैं दूसरे में पानी भर देते हैं एक में चीनी का जो विलयन है दस परसेंट उसको डाल देते हैं पानी के स्तर पर आन पीन लगा देते हैं कि पानी अभी किस स्तर पर है इसका जो पानी है तो कौन से स्टेज पर है अभी यहाँ पर मैं डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आप समझेंगे मान लीजिए आपने दो आलू लिए आल लिए कार ये सब कुछ इसकी रिक्वायर्ड मटेरियल है दो आलू लिए आपने आलू को पील कर लिया छील लिया अब इनको बीच से होल कर देंगे ठीक है तो इनको एक पेटेड की तरह रख लेंगे जे देखिए ये डायग्राम बना हुआ है ऐसे आप होल बना के रख लेंगे तो एक को पानी में एक में जो चीनी का विलयन होता है दस परसेंट सांद्र चीनी का उसको बोलते हैं तो शर्करा का विलयन रखते हैं दूसरे में क्या कर देते हैं कि खाली पानी रखते हैं ठीक है थीके? तो अब क्या करते हैं इनको आलपीन लगा देते हैं चीनी से भरी वलियन डिश में रख देते हैं ठीक है ये डिश विलयन होता है उसमें रख देते हैं अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि लगभग एक घंटे बाद आप क्या देखते हैं आप ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं कि जो चीनी के विलयन वाली गुहा यानी ए में विलियन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ये देखिए यहाँ पे क्योंकि उसको वाटर ऑब्जर्व करता है बढ़ जाता है तथा तो आल्फिन विलियन में डूबी डूब जाती है आल्फिन किस में डूब दू, जाती है सॉल्यूशन में डूब जाती है क्योंकि चीनी वाटर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी होती है जबकि दूसरे गुहा में जो दूसरा होता है कैविटी होता है उसमें पानी भरा होता है स्तर स्तर उसका कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है अब यहाँ पर एक्सप्लेशन देखेंगे कि पहले जो होता है पहले आलू के कंद में विलियन का जो स्तर होता है प्राथमिक स्तर से स्तर बी तक बढ़ जाता है यहाँ पेटी ड्रेस में पानी जो होता है आलू कंद की झिल्ली झिल्लीयुक्त कोशिकाओं से होकर इससे अर्धपारिगम झिल्ली युक्त कोशिकाओं से होकर कंद की गुहा में प्रवेश करता है क्योंकि इस प्रक्रिया में पानी का गम, गमन बाहर से कंद के अंदर की ओर होता है कहाँ से बाहर से अंदर की ओर होता है और यह प्रक्रिया एंडो ऑस्मोसिस कहलाती है जब बाहर से अंदर की ओर होता है एंडो अंदर एंडो होता है लेकिन दूसरे कंध में क्या देखेंगे आप दूसरा जो कैविटी होता है आलू तो उसमें पानी का जो प्रारंभिक स्तर है ए से घटकर पहले में क्या करता है बढ़ जाता है इसका जस्ट अपोजिट ए से बी का जस्ट अपोजिट है आप देख ले फ्रेंड्स यहाँ पे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे ये वर्क करते हैं एक एंडो का एग्जांपल दे, दे देंगे एक एक्सो का एंडो में बाहर से पानी जो अंदर की ओर होता है तो ये एंडो होता है और दूसरे में सेम एज इट इज मेथड होती है लेकिन उसके आ, आ, जस्ट अपोजिट में बाहर से पानी अंदर की ओर नहीं होता अंदर से बाहर की ओर होता है तो इसमें क्या होता है जो प्रारंभिक स्तर ए से घट कर यहाँ पर ए से बढ़कर था ना ए से घट कर वी पर पहुँच जाता है और इस तरह में यह कमी मतलब स्तर में कमी हो जाती है आलू कंद के पानी आ, मतलब आलू होता है तो कंद के पानी के अंदर से बाहर की ओर गमन करने के कारण होता है किसके कारण कंद के बाहर से बाहर की ओर गमन करने के कारण होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में जो पानी का गमन अंदर से बाहर की ओर होता है पहले में क्या था बाहर से अंदर की ओर इन वर्ड्स फोकस करना है तो बाहर से अंदर की ओर हो रहा था अब अंदर से बाहर की ओर हो रहा तो इस प्रक्रिया को एक्सोसमोसिस कहते हैं आप समझ में आ गई आपको इस मेथड को अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये एग्जाम्पल ये आपका एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है कि उपयुक्त व्यवस्थित प्रयोग है इसके कारण ऑस्मोसिस प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी दी गई हैं कि आलू के कंद को छील लेना चाहिए वहाँ सावधानीपूर्वक बनानी चाहिए कैविटी दोनों साइड से होल करके गोल टाइप का आलू के अंदर आधा जो भाग होता है निकाल लेते हैं इतनी होनी चाहिए गहरी की आधार में उत्को की पतली परत ही बचे जो चीनी के गोल की शानता है आलू के कंद की कोशिका की रस की तुलना में अधिक होनी चाहिए तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया एक और इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट की सेल्स होती है उसमें फ्रेंड्स ये वाला एक्सपेरिमेंट है जो प्लांट सेल है उसमें प्लाजमोलिसिस का अध्ययन करना स्टडी करना तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल रिक्वायर्ड है कि टेडिसक्सिया ट्रे, होता है यानी रोहियों की पत्ती लेते हैं ब्लेड लेते हैं सर का घोल लेते हैं पानी वीकर वॉच ग्लास आपका माइक्रोस्कोप कवर स्लिप स्लाइड चिमटी ये सब होता है थ्योरी क्या रहेगी कि जो आपका अति परासरी हाइप्रोटोनिक विलयर होता है उसके प्रभाव के कारण किसी सजीव कोशिका के मतलब एक लिविंग सेल होती है उस जीवद्रव्य का उसकी कोशिका भित्ती से सिकोड़ना प्लाज्मोलिसिस कहलाता है आपने किसमें में देखा है कि जब वाटर ऑब्जर्व करती है सूख लेती है शक्कर के बिलियन में रखते तो वो एकदम सिकुड़ जाती है तो ये आपका प्लाजमोलिसिस का एग्जाम्पल है प्रोसीजर तो दी गई है आपको पढ़ लेना है कि ट्रेडिस ट्रेडिसकेसिया रोहियो की जो रंगीन पत्ती होती है उसका मोड़ कर बीच से तोड़ते हैं निचली सतह की बाहित तो चीज हिली को चिमटी से खींच कर अलग कर देते हैं पानी से भरे वॉच ग्लास में इस झिल्ली को रख देते हैं फिर ब्लेड की सहायता से मतलब इसके वन पॉइंट वन एम एम से वन एम एम के टुकड़े वन एम एम वाई वन एम एम के टुकड़े काटते हैं और एक टुकड़े को कांच की स्लाइड पर पानी में माउंट कर सूचम रस्सी में देखते हैं तो क्या होता है ये कुछ चरकर का विलयन है इसकी ऑब्जर्वेशन मेथड देख लेना है ये आपका प्लाज्माश का डायग्राम बना है इसको बना के दिखा देना फ्रेंड्स आज के वीडियो लक्ष्य उसके लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो